एक बूंद रोशनी की फलक से छलकी, जिसकी जुम्बिश एक जादू जगाने लगी। ये कैसा है शहर की आहट का मंजर, कि कहकशां कोई गीत गुनगुनाने लगी। चांद तारों ने गंगा में घुलते हुए कहा, अलविदा की रूहे शब बुलाने लगी। ये धुंधले उजाले ये नीम बाज शहर, जिसके मुंतजिर थे वो शायद आने लगी। सबा ने चुपके से ख्वाबों में कहा, उठो मुसाफिर सुबह बुलाने लगी। सुबह बनारस का जलवा हुआ होगा, किसी रूहानी एहसास ने जरूर दिलों को छुआ होगा। गंगा की धड़कती लहरों का आंचल और इस आंचल से खेलती ताजा रोशनी की किरणें, दूर रेत के दश्त और बादलों के पीछे से झांकता इन किरणों का देवता, फिजाओं में घुली घंटी आरती और भजन की शीरी आवाजें, इनकी धुन पे गोता लगाते आजाद परिंदे और कुछ ठहरे हुए लम्हे, ये वो लम्हे हैं जिनमें न जाने कितनी सदियां अपनी सुध खोआई, जिनके जादू के आगोश में पूरी दुनिया समाई, जिनकी आहटों की सदा सुबह बनारस कहलाई। वैसे तो हर जगह की सुबह अपना एक अलग अंदाज लेकर आती है, पर बनारस में दो सुबह होती हैं, एक जो पूर्वाकाश में होती है और दूसरी जो हृदयाकाश में। इसीलिए यहां सिर्फ सूर्योदय ही नहीं बोधोदय भी होता है।
इस बोधोदय को एक नया आयाम देती है उत्तरवाहिनी गंगा। उसकी रवानगी के गवाह ये प्राचीन घाट, घाटों के किनारे बसा पक्का महल, उसमें रहने वालों के जीने का अलग अंदाज, जिसके हर जर्रे में झलकती है हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज। काशी की विशेषता गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुकुति जन्म मही जाने, जान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भवान से काशी से ही कसन। मुकुति जन्म यह ब्रह्म का साक्षात्कार से संबंधित है, इसकी जन की भूमि है ये। मुकुति और जन्म को के चक्र को समाप्त करने की भूमि है, पापों को नष्ट करने वाली भूमि है और ज्ञान की खान है, और यहीं शंभु और भवानी रहते हैं। तो ये चार तो अमूर्त चीजें हैं। अमूर्त चीजों को देखने के लिए तो तीसरा नेत्र होना चाहिए। यह काशी में जो लोग आते हैं वो मूर्त चीजें देखते हैं। मूर्त क्या है? मूर्त केवल तीन है। मूर्त है गंगा, मूर्त है काशी के घाट, और मूर्त है काशी की जिंदगी, जिसे बनारसीपन कहते हैं, जो गलियों में रहती है। तो इन तीनों चीजों को अगर देखा जाएगा तब काशी का, सुबह बनारस का आपको कहीं एक कण मिल पाएगा। बनारस अपने आप में दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां की सुबह का असर भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर अनुभूत किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही हो। इसी ऊर्जा से परिपूर्ण सीढ़ियों से उतरते दर्शनार्थी, घाटों पर टहलते बैरागी, तट पे लगा सैलानियों का मेला, रिवायतों से सजी सुबह की बेला, दूर मस्जिद से आती शहर की अजान और सदियों से सुलगता एक महाशमशान, ये सब बहुत है हमें खुद को भुलाने के लिए और सब कुछ भूल कर खुद को पाने के लिए। सिद्ध भजोंकार हो, सिद्ध भजोंकार अवधूत काया मंजन सार जी हो, काया मंजन सार जी। सिद्ध भजोंकार अवधूत काया मंजन सार जी हो, काया मंजन सार जी, काया मंजन सार जी। शिखर भीतर नाद बाजे, शिखर भीतर नाद बाजे, आत्मा दिन दैन जागे। शिखर भीतर नाद बाजे, आत्मा दिन दैन जागे, नाद सुन सुन लागी डोरी, आत्मा दिन दैन बौरी हो। सिद्ध भजोंकार अवधूत काया मंजन सार जी हो, काया मंजन सार जी, काया मंजन सार जी। पांच पकड़ो तीन छोड़ो, पांच पकड़ो तीन छोड़ो, आठ लावो घाट जी,
पांच पकड़ो तीन छोड़ो, आठ लाओ घाट जी, उठो हंसा पीवो पानी, तिरवेणी के घाट जी, हो सिद्ध भजो ओंकार अवधु काया मंजन सार जी, हो काया मंजन सार जी, काया मंजन सार जी। चेत गोरख खंड रासा, चेत गोरख खंड रासा, खोल कवड़ी देख आसा, देख लो दीदार से जी, सिद्ध भजो ओंकार अवधु काया मंजन सार जी, हो काया मंजन सार जी, 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 काया मंजन सार जी। सुबह बनारस सुबह के प्राकृतिक रंग और बनारसी ढंग का एक हसीन इत्तेफाक है। यहां लोग सुख की आशा नहीं, शांति की उम्मीद लेकर आते हैं। वो असीम शांति जो सुबह की देवी हर रोज यहां बांटती है। इस अमृत पान के लिए यहां के लोग तत्पर रहते हैं और इस देवी को अपनी कला और साधना अर्पित करते हैं। कोई खुद को सजाकर, कोई अपने स्थान को सजाकर, कोई जोर आजमाकर, दांव लगाकर, कोई अपने सुरीले स्वरों से फिजाओं को जगाकर, कोई नदी के सांस पर गुनगुनाकर, जिधर नजर जाती है बनारस अपनी मौज में डूबा नजर आता है। देखिए, बनारस की सुबह जो है वो संसार में, अगर मैं कहें तो नहीं, भारत में एक अनूठी सुबह है, क्योंकि यहाँ सुबह उठ के लोग इतने सुंदर मूड में आते हैं, मूड जैसे इंग्लिश वर्ड है, तो कि वो किसी भी चीज़ की परवाह न करके, कोई दुख की, कोई ऐसी बातों की परवाह न करके, बहुत ही प्रसन्न चित्त, बहुत ही आनंद में डूबे रहते हैं। पहले तो वो गंगा स्नान के लिए उद्यत होते हैं और वो ऐसी चीज़ होती है जो कि भजन करते हुए जाते हैं तो जो लोग सोए रहते हैं वो अनायास उठ जाते हैं और भगवत भजन करने लगते हैं। ये एक इसकी विशेषता है। समस्त भारतवर्ष में व्याप्त धर्म संप्रदाय मान्यता एवं आस्था की छवि यहां पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होती है। इसी छवि से यहां का निखार है, इसी से सुबह बनारस का विस्तार है। पूरे बनारस के लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई, कोई मन भावना नहीं है यहाँ पे कि फलाना है ढिकाना है। हक जिसका जी चाहे वो आ सकता है, दरवाज़ा खुला हुआ है, बड़े एहतराम से मगर आए, हर इंसान एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। कि जो सुबह का बनारस देखेगा वही इसको जान पाएगा। ये तो मूंगे का गुड़ है, खाइए और आनंद लीजिए, इसको बताया नहीं जा सकता है। ये बनारस धर्म प्रधान शहर रहा है, देश रहा है, और उस काल में गंगा कि लहरें अभी तो कुछ धीमी हुई हैं, तक कल्लोल करती हुई, और लगता था कि ये वाद्य के रूप में गंगा उसका अभिनंदन कर रही है, बाजे बज रहे हैं और दिव्य स्वर उससे प्रस्फुटित हो रहे हैं, तो सूर्य उदय हो रहा है और प्रकृति ईश्वर उसको अभिनंदित कर रहा है, अपने वाद्य के द्वारा उसके चरण का को प्रच्छलित कर रहा है,
और उसके साथ जब हजारों हजारों लोग अत्यंत निष्ठा के साथ सूर्य को अर्घ देते हैं उदय काल में, तो कितना सुंदर होता होगा। बनारस में वैविध्यता का ये आलम है कि यहाँ की भक्ति भी कई भावों में होती है, कभी सखा भाव, कभी दास भाव, तो कभी वात्सल्य भाव। जैसी जिसकी प्रकृति वैसी उसकी भक्ति। क्या राजा, राती का उतरल की नहीं? इससे भी शंकर जी से बात करते, जागा जागा हो भोले पार्वती कृष्ण देन। इस तरह से भी सख्य भाव से कुछ लोग तो ऐसे भी मिले हैं जो कि सवेरे सवेरे अपना वो चाय की भट्टी का कोयला धो रहे हैं, वो अपना घर जागा जागा हो भोले पार्वती के सूत बोले उठे यार, अंड बंड जौन मिला ला खा ले वाला। अरे के देखिए गौरा तो है, देखे बाल बच्चा देखे कि अन्नपूर्णा बन के काशी के खियावे, उठ यार। यह जो सीधे तादात्म्य को डायरेक्ट सीधे वो सुप्रीम से को संबोधित करने का माता है काशी में, यहाँ की मस्ती है, इसीलिए आशीर्वाद भी देते हैं। पालागी मस्त रह, मस्त कर बेटा, मस्त रह मस्त कर। बनारस नजाकत का नहीं नफासत का शहर है। बनारसी शौकीन होते हैं, स्नान ध्यान के बाद उन्हें बढ़िया नाश्ता चाहिए। इसी शौक के लोग जब विभिन्न प्रांतों से बनारस में आए तो यहां नाश्ते की एक विशिष्ट परंपरा उत्पन्न हुई, कचौड़ी, जलेबी और सर्दियों में मलइयो। सुबह में यहाँ जो खाने पीने की परंपरा रही है वो भी बड़ी जोरदार रही है। सुबह में ही कचौड़ी क्या बात है, और जलेबी पता नहीं कब से चल रही है और उसको लोग खाते हैं। ऐसा भोजन जैसा उत्तरी भारत में है पूरी दुनिया में नहीं है, और जैसा बनारस में है वैसा उत्तरी भारत में भी नहीं है, तो ईटिंग का भी अपना महत्व है। अब ये मौसमी चीज़ें जैसे मलइये, मलइयो कहा जाता है, वो हाथ से मथा जाता था और दूध का उफान होता था, वो दूध का मक्खन होता था, मक्खन डाला हुआ मक्खन नहीं निकालते थे, उससे मेहनत होती थी, टेक्निक होती थी, दूध में मलाई नहीं डाली जाती थी, उसकी तैयारी की जाती थी, रात को अच्छे तरीके से उसको पकाया जाता था और तब तक ठंडा किया जाता था, और आदमी बैठ के घुमाता रहता था, उस पर मलाई नहीं पड़नी चाहिए, तब तक उसे ठंडा किया जाता था और फिर उसमें उसको लटका दिया जाता है। सुबह 4 बजे उसकी मथनी से उसको मथा जाता है और वो मलइयो जो तैयार होता है वो 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं ठहरता, तो बहुत मज़ा आता था हम लोग के बचपन में। इसलिए आप बनारस में और भी एक चीज़ देखेंगे, टिपिकल एथेनिसिज्म है, इस शहर में कोई भोजन नहीं है, बनारसी भोजन 6000 साल पुरानी शहर है, शहर में कोई दोपहर या शाम का भोजन बनारसी भोजन के नाम पर ख्यात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग भोजन नहीं करते हैं, यहाँ जब जगते हैं नाश्ता करते हैं। इस शहर में 50 किस्म के नाश्ते आपको मिल जाएंगे, जो भोर में 4 बजे उठता है उसके लिए एक नाश्ता है, 7 बजे जो उठता है उसके लिए एक नाश्ता है, दोपहर 10 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, एक नाश्ता है, और जब नाश्ता किया नाश्ता के बाद एक मुख शुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए भोर में 5 बजे भी पान के दुकान खुले हैं, लोग पान खा रहे हैं, रात को 2 बजे भी लोग ठंडाई पीकर घेवर या जलेबा खाकर एक पान जमा रहे हैं। तो पान वस्तुतः जीवन का पंक्चुएशन है, हर एक क्रिया के समाप्ति पर जैसे फुल स्टॉप या खड़ी पाई है, एक भोजन की क्रिया समाप्त होते ही एक फुल स्टॉप या खड़ी पाई पान है। बनारस के रास्तों में रंगीन गुलकारी बनारसियों के पान के जबरदस्त शौक की दास्तां बयां करती है। यहाँ की अलमस्त सुबह में गलियों से गुजरते हुए पान भरे मुंह से गुड़गुड़ाती हुई आवाज में बात करने का एक खास लहजा सुनने को मिलता है। पान बनारसियों के दिल की धड़कन है। सुबह से जारी पान की इस विकराल मांग की पूर्ति करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पान मंडी, जिसे पान दरीबा के नाम से जाना जाता है, बनारस में ही लगती है। ये चने चबेने पे जीने वाला बनारसी कहां पीछे भागता है भौतिकता के।
इसके सामने तो महाशमशान है। यहां का रहने वाला अहर्निश जलती चिता को देखता है और राम नाम का तारण मंत्र सुनता है। ये बनारसी गंगा को भजता है, सूर्य की आराधना करता है, काशी विश्वनाथ के आगे दंडवत होता है और सुबह बनारस को प्रणाम करता है। यही उसका नियम है, यही उसका जीवन है, यही उसकी कमाई है और यही करके वो अपने जीवन को धन्य समझता है। कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कौनो ठगवा, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। काशी के सुबह जैसे कहते हैं स्नान के बाद व्यक्ति और शरीर निर्मल होता है, ऐसे सुबह काशी की सुबह इतनी अलबेली होती थी, नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं, मगर आप सबके चेहरों पर और जो चीज़ देखती थी वो निर्मलता दिखती थी। एक दूसरे को बात कहीं भी कह दिया मन में मलाल नहीं है। बनारस की सुबह सूर्य के तेजस्वी प्रकाश की पूरब से दक्षिण तक की यात्रा है। यह प्रकाश गंगा को रंगते हुए, ऊंची ऊंची इमारतों को रंगते हुए, घाटों को रंगते हुए, उसमें रहने वालों के जीवन और बनारस की चेतना को रंगते हुए नित्य नए दिवस का स्वागत करता है। इसी जागरण का नाम सुबह बनारस है। सामान्यतः जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें लगता है कि बनारस केयरलेस है, कैजुअल है, पर यदि आप मन की आंखों से बनारस को पढ़ें तो पता चलेगा कि यह शहर केयर फ्री है। ये भय से सताया हुआ शहर नहीं है। बनारस अघोर है, बनारस में खोने का डर नहीं है। यही मूल धारा इस शहर की शिराओं और धमनियों में आज भी जीवित है। हो सकता है किसी को यह तथ्य पहली बार पैर रखते ही अनुभव हो जाए, हो सकता है पीढ़ियों और दशकों में भी ये बात समझ में ना आए।
सुबह बनारस विश्व को ये संदेश देती है कि अतीत विहीन वर्तमान का कोई भविष्य नहीं है। भूला जाएगी क्यारी, हाथ मल मल चली पांचों पनिहारी, भूला मन जाने अमर मेरी काया आकाया। सूखा सकाठ सूखा सकाठ हेट नहीं छाया, सूखा सकाट हेट नहीं छाया, कहाँ तेरा हंसा कहाँ तेरी माया, भुला मन जाने अमर मेरी काया आकाया। बालू की भीतर पवन का खंबा, बालू की भीतर पवन का खंबा, देवल देख भया अच्छा काठ हेट नहीं छाया, कहाँ तेरा हंसा कहाँ तेरी माया, भुला मन जाने अमर मेरी काया आकाया। आदि आदि नाथ आदिनाथ मच्छंदर का पूता, आदि आदिनाथ मच्छंदर का पूता, ये जस गा तेरा गोरख अवधूता, भुला मन जाने
काया अमर मेरी काया।